तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका पावर रेंजर गैलेक्सी वॉर के एक और नई सबसे खतरनाक सीरीज यानी कि सस्ती कमेंट्री ऑन फ्रेंड्स बैटल के पार्ट 14 में यार। और इस वाले वीडियो में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड यार, जो लोग का वीडियो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं, इसका मतलब यार कि उन्होंने कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में सॉन्ग लगाया था या फिर उन्होंने कुछ ना कुछ भाई ऐसा स्किन लगाई है जिसकी वजह से भाई किसी का गेम प्ले नहीं लिया गया। यही दो रीज़न है जिसका गेम प्ले ऐड नहीं करता हूं मैं। या तो उसके पास कोई ऐसी स्किन हो जो गेम में नहीं दी जाती है, उन लोगों ने हैक करके लगाई हो, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अपने गेम प्ले में म्यूज़िक वगैरह ऐड किया हो। तो यार ये दो गेम प्ले अपन नहीं ले रहे। एंड अभी जो है पृथ्वीराज भैया मतलब पृथ्वी भैया का जो है बैटल चला, जो कि बहुत खतरनाक ब्लैक निंजा वर्सेस व्हाइट निंजा का यार चल रहा है। एंड देखो यहाँ पे ब्लैक निंजा वाला भाई, देखो ब्लैक निंजा से खेलना इस समय मुश्किल है अगर एज कंपेयर करें कि यार व्हाइट निंजा से, क्योंकि व्हाइट निंजा ज़्यादा अच्छा है। एंड ओपोनेंट भी यार मतलब ओपोनेंट मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इतना डर क्यों रहा है मायूस। इसके पास अच्छे मूव्स हैं, चार वाला स्ट्राइक है इसके, चलो तीन वाला स्कॉर्पिना है मायूस, मार क्यों नहीं रहा था वो, तो खैर उसने एक मारा है। एंड ओपोनेंट भाई देखो अच्छे ओपोनेंट के पास अच्छे मूव्स हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी भैया को जो है वो थोड़ा सा चौकन्ना रह के खेलना पड़ेगा। अदर पृथ्वी भैया बहुत जल्दी जो है वो पेल जाएंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इनको अभी अगर एक भी मौका मिले तो शील्ड दबाएं, देन उसके बाद ब्रेकर दबाएं, देन उसके बाद छः वाली ये स्पिनिंग वाली असिस्ट दबाएं, देन उसके बाद ये देख क्या गाड़ फाड़ ब्लास्ट भाई सुपर मोड एंड क्लोज स्ट्राइक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही एंड भर दिया। तो भाई मतलब कुल मिला के जहर था, मैं बता रहा हूँ मेरी गाइडेंस के हिसाब से अगर खेलोगे आप लोग तो मार छोड़ दो। ओ यूवे गेमिंग वाईटी, ओके तो ये बैटल है बूटी लवर यानी कि अंडरटेकर यानी कि बूटी लवर की यार और वर्सेस यूवे गेमिंग वाईटी। ये है बैटल 33 एचपी वर्सेस 45 एचपी। ब्लेज है लेवल 2 एंड बूटी के पास है लेवल 5 एपिक। यार देखो ब्लेज वाले भैया जो कि है उत्तर अमेरिका गेमिंग यानी यूए गेमिंग वाईटी, जिनके पास ब्लेज है और ये बोलते हैं कि भाई मैं बहुत खतरनाक चला लेता हूँ एंड मैं सिल्वर करता हूँ ब्लेज से। तो अपन देखेंगे बूटी के साथ इनका खतरनाक कॉम्बैट जो कि मेरे को लगता है बहुत मस्त होने वाला है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अरे इसकी माँ का छोला, मार भैया मार मादर चोद को, तो भैया मार भाई पेल दे। तो देखो यार अभी जो बैटल है वो इंटेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाली, मेरे को भी यार पता नहीं कि इसमें क्या हो, इसकी माँ का छोला ब्रेक करना मामा, चलो कुछ ना कुछ तुम्हारी खैर। तो देखो यार बैटल जो है वो काफ़ी इंटेंस होने वाली, क्योंकि यूए भैया यानी कि उत्तर अमेरिका गेमिंग वाईटी तो यार मतलब काफ़ी अच्छा प्लेयर है एंड बढ़िया खेलता है। और यहाँ पे बूटी भैया यार जो कि स्पैमिंग के लिए बदनाम है सरेआम, एंड भले इनकी सेटिंग ना हो लेकिन भाई स्पैमिंग पूरी बराबर करते हैं। तो यहाँ देखो आपको देखने के लिए मिली रही होगी स्पैमिंग जो है वो किस हद तक हो रही है इस गेम में। तो यहाँ पे देखो भाई ब्लेज वाले भैया के पास बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं यानी कि स्पीडी मूव है, बढ़िया डैमेज है, बढ़िया हेल्थ है, बट फिर भी यार भाई हाथ पैर जोड़ते हुए वो पिल गए हैं। तो यार यहाँ पे जो हम लोग कह सकते हैं कि बूटी भैया जो है वो स्पैमिंग के किंग हैं एंड बहुत खतरनाक खेलते हैं। तो यार बालक भैया का के साथ आया है बैटल, यानी कि बालक भैया का बैटल है एंड वो खेल रहे हैं पिंक वाली साइको से एंड अपोनेंट जो है वो ब्लैक डीडी चला रहा है इसकी माँ का छोला। तो देखो यार कॉम्बैक काफ़ी अच्छे होने वाले हैं व्हाइट इसकी मादर चोद। तो भाई मैं यही बोलने वाला था कि मतलब ब्लैक वाले डीटी के पास है डिफेंडर एंड अगर ये स्ट्राइक मारेंगे तो पेल पास देगा। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि स्ट्राइक मारते क्लोज जाके कैंसिल मारते उसके बाद मारते तब ब्रेकर, तो यहाँ पे तुम स्टार्टिंग अच्छी कर सकते थे बट तुमने नहीं किया वो भाई। अब मेरा फॉल्ट है ना हमें भाई नहीं बोलना, मेरे को कमेंट में गालियाँ नहीं देना भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे भाई ने मेरा स्ट्राइक इसकी माँ का छोला भाई लपेट दिया भाई, वंडर ला दिया इसके बाद और एक बार वंडर ला दिया। तो यहाँ पे देखो यार ओपोनेंट के पास दो स्लॉट है इसकी माँ का, चलो दो स्लॉट में शील्ड थी वो भी उसने कर लिया एंड यहाँ पे अबे भैया ओ हो तब भी उसने ब्रेक कर नहीं मारा, क्या बात। मेरे को लग रहा है कि प्रिडिक्शन जो है वो नहीं कर पाया होगा यार, चूतिया लौटा है साला, डर रहा है, उसको लग रहा होगा कि भाई की शील्ड वो स्ट्राइक ना हो। लेकिन भाई एक बात मैं बता दूं कि यार साइको में मतलब पिंक साइको में यार डिफेंस के लिए बहुत चीज़ें मिलती है, कि डिफेंसिव बहुत मिलता है यार। ये बढ़िया किया कि सुपर मोड लगा ले लिया है यार, मतलब हाँ छोड़ दी भैया जी आपने। तो वालक भाई बहुत खतरनाक खेले, श्रेयस भाई का बैटल है एंड ओम फो दोनों ब्लेज जिसकी माँ का छोला भाई, दोनों ब्लेज हैं, दोनों के पास बढ़िया शील्ड है, माने कि दो शील्ड एक ब्रेकर है और उसके पास भी एक शील्ड एक ब्रेकर है, तो दोनों ही खतरनाक है। ऑलमोस्ट एचपी भी सब किसी अलग बराबर बराबर इसकी माँ का छोला इक्वल ये है भाई। मेरी थोड़ी सी जो है यार लैंग्वेज को यार आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि भाई तुम्हारा प्रो प्लेयर है एंड वैसे ही कमेंट्री हो सकती है, समझ रहे हो इसकी माँ का छोला। तो ओपोनेंट जो है वो काफ़ी खतरनाक खेलने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि उससे पता है कि भाई अगर मैं खतरनाक नहीं खेलूंगा तो सामने वाले के पास भी ब्लेज है वो पेल पाल देगा। एंड यहाँ पे श्रेयस भैया को जो है काफ़ी तगड़ा खेलना पड़ेगा, क्योंकि श्रेयस भाई की ऑलमोस्ट 55% जो है वो हेल्थ जा चुकी है एंड ओपोनेंट के पास ओपोनेंट के पास अभी ब्रेकर आ गया, क्या बात इसकी माँ का चलो पेल ले रहे थे मादर चो। खैर देखो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओपोनेंट जो है वो बढ़िया खेल रहा है। श्रेयस भैया अगर आपने कुछ टिकनेस नहीं लगाई तो पेल जाओगे। खैर यहाँ पे तीन वाला स्ट्राइक मारो श्रेयस भाई, मार दो मायूस, अच्छा ठीक है मार दिया तीन वाला, ओ हो
तीन वाला स्ट्राइक तुम एक बार और मार सकते थे भाई, तुम्हारे पास बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा था अभी तो इसकी माँ का टोला। बट लो अब क्या फायदा हुआ, पछताए जब चिड़िया मार गई गांड। खैर छोड़ो, तो चिड़िया को गांड मारने दो। एंड यहाँ पे श्रीराज भैया का 1 HP क्लच होने वाला है, इसकी माँ का छोला। ओ भाई साहब, तो एक बार और जो है तुम पेल सकते हो ब्रेकर, मतलब 5 वाला स्ट्राइक, सॉरी जो कि हम बोल देते हैं कई बार गलती से यार। तो एक बार 3 वाला स्ट्राइक मारो भाई, मारो 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 भाई, मार ओ भाई साहब खतरनाक। तो यहाँ पे लक बाई चांस एक शील्ड मिल गई थी एंड भाई ने उसका जो है फुल टू मतलब यार यूज कर लिया था। तो यहाँ पे जो है प्रिंस भैया है, इसकी माँ का छोला भाई, इलाइट लीग का बैटल, और ये है बैटल आयुष द किलर, यानी कि आयुष भैया का बैटल है। इसकी माँ का छोला स्कॉर्पियो लेवल 666, इपिक भी लेवल 6। आयुष भाई के पास एक शील्ड है जो कि स्लेज है एंड एक है इसकी किम्बरली, इसकी माँ का छोला किम्बरली स्ट्राइक। एंड भाई के पास है सारा स्ट्राइक वाला सैम एंड मिडिल स्लॉट में फुल ब्रेकर है भाई को तगड़ा है। इसकी माँ का शील्ड दबा भाई, ओ भाओ ओ भाओ क्रिटिकल भाई, वे गांड फाड़ दी भाई, खतरनाक तुम जहर काट रहे हो भाई। अरे इसकी माँ का छोला। तो भाई यार देखो आयुष भैया, मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो, मेरे को लग नहीं रहा है कि तुम जीतने वाली कंडीशन में हो, पर देखो यार मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो, क्योंकि मेरे को किलाइट वाले बंदे को भाई पेलने में जो मज़ा, इसकी माँ का छोला जो पेलने में भाई जो मज़ा आती है भाई, आए हाय भाई रस मलाई से भी ज़्यादा मज़ा आती है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं भी यूज़ कर, अरे भोसड़ी की, तो भाई मैं यूज़ कर रहा होता ब्लेक एंड ब्लेक से भाई इसकी घांडे फाड़ देता भाई, तुम समझ रहे हो ना भाई। हाँ वही वाला इशारा है कि भाई घांडे फाड़ देता। खैर अरे मैया तुम तो पी लगे भाई, चलो खैर कोई बात नहीं, होता रहता है बड़े बड़े छोटे में शहरों में, क्या बोलते हैं सेनोरिटा के बड़े बड़े होते रहते हैं, नहीं वो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। खैर छोड़ो, एंड यहाँ पे जो है वो किम्बरली वर्सेस अंश भैया, तो किंग भाई का बैटल है जिनका रियल नेम मेरे को याद नहीं है, पर मेरे को पता है शायद हिमांशु नाम है, बट यार देखो किंग भाई का बैटल है, मेरे को बता देना रियल नेम तुम्हारा क्या है। खैर यहाँ पे जो भाई है फुल बढ़िया स्कोर पीने वाला पेल पाल देने की ट्राई कर रहा है, 21 vs 24 HP की थोड़ी कमी है। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो बढ़िया सा एकदम गेम प्ले चाहिए। खैर छोड़ो, बुम इसकी माँ का छोड़ो भाई, डिफेंसिव पे लिया भाई, वाईफाई का साइन आया एंड भाई ने माँ छोड़ी बस, तुम समझ लो। खैर यहाँ पे भाई 5 वाला स्ट्राइक मारेंगे, इसकी माँ का छोड़ा चार, 3 वाला काउंटर, 3 वाला काउंटर क्लोज। अबे यार तुम भी भाई कॉम्बो नहीं बना पाते हो भाई, 3 वाला काउंटर मारते ना वो ओपोनेंट ना हवा में जाता, जब तक तुम्हारी 4 ही पिकॉल भर जाती माई हुई तुम स्ट्राइक मार सकते थे। खैर छोड़ो भाई, लंडो को ऐसे ज्ञान की बातें ना देते हुए, अगर ज्ञान मैं सबको बता दूंगा फिर फायदा का सब प्रो बन जाएंगे यार, ऐसा अकेला मैं ही प्रो हूँ। देखो यार तुम्हारा भाई ज्ञान की बातें करता रहता है, लेकिन भाई यहाँ पे मैं ज्ञान की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने बताई तो तुम लोग मेरे को कंपटीशन देने लग जाओगे भाई, तुम लोग भी यूट्यूब खोल लोगे फिर मेरा तो बहुत घाटा हो जाएगा यार। खैर आगे बढ़ेंगे यार, यहाँ पे भैया जो है किंग जीत चुके, अगेन एक किंग भैया का बैटल भाई, इसका चार्ज लगेगा मेरे को 10 रुपए करो फटाफट गूगल पे। खैर आगे आए व्हाइट निंजा के साथ, ये रे इसकी बहन, ओ हो भाई जो स्वाइप बैक करके जो आगे से जाके तुमने शील्ड लिया, ओम फो मैं तो बता रहा हूँ तुम दर्राटे काट रहे हो। खैर बहुत तगड़ा जो है तुम खेल ले, आओ आगे, ओह भाई क्या बात, बहुत तगड़ा। तो भाई ओहो चार वाला स्ट्राइक आउट, बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो, मैं बताऊँ तुमको ना, तुमको PRLW के यानी कि पावर एंजल एक्सीवर के टूर्नामेंट में खेलना चाहिए भाई, तुम कतई जहर खिलाड़ा हो। आओ आगे आओ, बूढ़ी लवर को भी खेलना चाहिए, तुम भी खेलो भाई। खैर यहाँ पे भाई के पास दोनों स्लॉट में शील्ड, अरे बे सीढ़ी की सुपर मोड से कोई बच नहीं सकता भाई, इसका सुपर मोड बड़ा खतरनाक है। खैर ओ हो बढ़िया भाई, अल्टीमेट खेला यार आपने, मस्त एकदम मजा आया। तो यहाँ पे यार किसका बैटल आया है कुछ पता नहीं चला, खैर अभी जो है वो देख के बताएंगे। किलर सोनू वर्सेस अमन, तो ओके अमन भैया का बैटल है जो कि खेले किम्बरी से। भाई इतनी फट क्यों नहीं है तुम्हारी, पीछे कहाँ घुसे जा रहे हो भाई, कॉर्नर में तुम ऑलरेडी हो, अगर इससे ज़्यादा पीछे जाओगे तो भाई हद बेइज्जती वाली बात है मैं बताऊँ तुम्हें। खैर यहाँ पे देखो, अरे बे सीढ़ी, चलो आगे बढ़ो, ओ हो क्या बात है, मेरे को लगा वो डिफेंस कर लेगा बट चूतिया ने कैंसिल कर दिया, इसी बात पर तुमने क्रिटिकल दे दिया भाई, तालियाँ वो स्पेलिंग भूल जाते हैं यार, तुम भी समझ सकते हो हम भी समझ सकते हैं। खैर यहाँ पे तुम्हारे पास एक बढ़िया ऑप्शन था, खैर तुमने बढ़िया यूज़ किया भाई, बट एक ऑप्शन ये भी था कि जो फर्स्ट लॉट का 3 वाला स्ट्राइक है वो मार सकते थे, देन वो कैंसिल करके ब्रेकर मार सकते थे। तो ओपोनेंट ने यार सुपर मोड ले लिया, इसकी मौका ओए हो रेंज अच्छी है उसकी, नो डाउट भाई रेंज, ओए अरे यार क्या बात है यार, इसीलिए किम्बरली में रेड में बहुत तगड़ी, मतलब मेरे को रेड बहुत पसंद है, रेड में बहुत तगड़ी किम्बरली इसलिए चला लेते हैं क्योंकि भाई उसका क्रिटिकल डैमेज है, मायू में 1 शॉट हिट बहुत तगड़ा जाता है भाई, मार छोड़ देते हैं बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भाई जो है अभय भैया का बैटल है बहुत बढ़िया वाला, एंड इपिक लेवल 5 इन्होंने रखा है, जैक इपिक वाला जैक, इपिक ड्रैगन शील्ड वाला जैक, एंड लीजा ओपोनेंट है लेवल 4 है इसका वो डोमिनिक हागर, एंड तालियां ओहो क्या बात है, खुद ही को शाबाशी अपने आप दे रहा है। खैर ब्रेकर मार दी, तो भाई मुझे भी लगता है यार ये वाला बैटल भी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि
क्योंकि देखने में ही लग रहा है कि भाई की ऑलमोस्ट 50% हेल्थ जा चुकी है एंड ओपोनेंट की भी 70% हेल्थ है। भाई की 50% तो नहीं है, 60% है ऑलमोस्ट। हाँ तो 40% ओपोनेंट ये रे बे भाई ऐसे खेलोगे, तुम्हारे बिल्कुल क्लोज में था भाई, तुम चार वाला जो है किया मार सकते थे, देन उसके बाद पांच वाला ब्रेकर मार सकते थे, तो वापस दोनों ऑप्शन है। लेकिन तुम भाई पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर रहे हो यार, तुम कुछ उखाड़ी नहीं रहे यार उसका। लो भाई तुम अखंड लेवल की चूतिया हो भाई। भाई पांच वाला क्यों नहीं ब्रेकर मारा, उसके बाद सुपर मोड में दबाते एनर्जी अपने आप वापस आ जाती, फिर उसके बाद तो ब्रेकर एक आ जाता। भाई कैसे खेल रहे हो यार, कॉम्बो बनाओ ब्रो, कॉम्बो, वी नीड कॉम्बो। नॉर्थ अमेरिका डजंट बैटर, बस करो ज़्यादा पोन हब खुल जाएगी यहीं पे। खैर ओ भाई, तो फाइनली भाई ने जो है वो पेल पाल दिया है एंड अब देखो यार कौन आता है, निखिल भैया इन द गेम। वाओ सुपर कूल आशुतोष, सुपर कूल के भैंसड़ी का, ये फ्रीजर में पड़ा रहता है हमेशा। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना, चाहे फ्रीजर में पड़ा रहे चाहे नाले में, हमसे क्या भाई, हमें तो गेम प्ले चाहिए। खैर यहाँ पे निखिल भैया जो है वो सस्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अपने स्कॉर्पिना का। एंड देखो यार स्कॉर्पिना तुम्हारे पास बढ़िया है, तुम एकदम कोने में मत जाओ यार, मिड टू शॉर्ट रेंज में रहो। एंड जब तुम्हें लगता है कि भाई वो स्ट्राइक मारने वाला, तब देन तुम जाके कोने में यार स्वाइप बैक कर लो, क्योंकि अगर तुम पहले से ही कोने में रहोगे तो तुम स्वाइप अगर करोगे भी तो यार पीछे जगह ही नहीं है, तुम समझ सकते हो यार। अगर तुम बीच में रहोगे तो पीछे जाओगे तो जगह है, माय यू वे तुम कोने में क्यों जा रहे हो भाई, भागने का ही रहता है क्या गेम छोड़ के, मतलब क्विट करोगे क्या भाई। तो लो एक स्ट्राइक मार के अगेन फिर एक और स्ट्राइक, क्योंकि ओपोनेंट को लग रहा है कि तुम ब्रेकर मारोगे। खैर कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया तुमने, बढ़िया। अरे यार तो ओपोनेंट ने मारा था डिफेंसिव एंड तुम्हें एक ब्रेकर पेल दिया। भाई मैं वही बता रहा हूँ कि मिड टू शॉर्ट रेंज में रहो, अगर तुम कोने में भागोगे तो देखो ओपोनेंट की तरह खेलो, ओपोनेंट देखो पूरा आता है। अरे भैंस लो फूट गया इसकी मार का छोला। खैर यार देखो स्कॉर्पिना के सामने जीतना मुश्किल होता है, और ऊपर से तुम्हारे स्कॉर्पिना हाई है उसके सेंट्रलन लाइट से यार, तो तुम्हारा जीतना जो है वो जायज सा लग रहा है मेरे को भाई। पर अगर वो अच्छा खेलेगा तो तुम्हें बीट अरे भैंसड़ी का आपके कद्दू खेलेगा। खैर बढ़िया खेले भाई, जबरदस्त मैं बता रहा हूँ निखिल भैया ओपी, पर तुम और अच्छा खेल सकते थे। यू वे रॉन वाइटी भैया का बैटल है, डेविल मे कराई, अजीब ही नाम रखते हैं यार ये लोग। खैर छोड़ो, अपने को क्या लेना देना, जो मर्जी नाम रखे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। खैर आओ इसकी माँ का छोला, लो भाई कुछ करते ही नहीं है ये लोग, मैं लो चुटकी बजा रहा, छाला तेरी थैनोस का बहन का रोला काटूं। खैर अब गालियां ना खराब करते हो, अबे यार दोनों ब्रेकर रखे हो भाई रोहन भैया, क्या बताऊँ मैं, तुम दोनों ब्रेकर से कैसे खेलो इसकी माँ का। लो शील्ड दबाओ, अबे भाई शील्ड स्वाइप बैक करने से अच्छा अगर तुम स्ट्राइक पे फोकस करोगे तो तुम उड़ती हुई स्ट्राइक को शील्ड से ब्लॉक कर सकते हो, एज यू नो भाई तुम कर सकते। इसकी माँ भाई अगर तुम आगे पीछे की जगह अगर तुम चार वाला ब्रेकर मारते ना तो तुम पेल सकते थे, अगर चार वाला तुम किया मारते तब भी तुम पेल सकते थे, उससे ना तुम किया को बीट कर, देखो उसने बीट किया ना भाई तुम भी कर सकते थे। भाई मुझे नहीं पता कि लौंडे क्या कर रहे हैं, लेकिन लौंडे जो भी कर रहे हैं बवासीर जैसा कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं ओपोनेंट का। खैर लो अभी एक फाइनली एक स्ट्राइक हिट किया है एंड एपिक लेवल 4 है, 32 के हेल्थ है उसका है, डायग्रन लेवल 1 28 के हेल्थ है एंड वो रिस्टोर अरे भौसड़ी का रिस्टोर ही नहीं कर पाया चूतिया आदमी को। खैर छोड़ो, उसको अगर एक बार सुपर मोड दबाता तो मज़ा आती। खैर चलो यार यहाँ पे भाई का बैटल है एंड इंटेलियन, अच्छा तोरी वाले भैया का बैटल होगा। ओके रुको, भाई का नाम है नागिन भाई कुछ भी नाम है, यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा, एक्चुअली जो एडिटिंग है वो छोटी स्क्रीन पे होती है, तो आप लोग मुझे बताना नाजिम नाम है कि नागिन नाम है। खैर छोड़ो भाई, नागिन तो होगा ही नहीं, नाजिम ही होगा, नाजिम है ना, नाजिन भाई क्या है नाम। खैर छोड़ो यार, तो यहाँ पे भाई ऑफलाइन क्यों चले गए भैया, अच्छा ऑफलाइन प्रैंक खेल रहे होगे, वाह वाह आजकल की भाई दुनिया में प्रैंक का जमाना है, यानी कि प्रैंक होते रहते हैं, तो यार भाई यहाँ पे कर रहे ऑफलाइन प्रैंक ओपोनेंट के साथ एंड अभी भाई जो है वो फुल टू मतलब खेलने का ट्राई कर रहा है। तो बूम भाई इतनी भी जल्दी क्या थी, अगर उसको थोड़ा सा नीचे आने दे तो फुल टू पड़ता, लेकिन खैर पड़ गया है, खैर ये तो अच्छी बात है। अरे बे तो उसको पता था कि तुम्हारे पास एक स्लॉट में शील्ड है, क्योंकि तुमने दोनों ब्रेकर नहीं, दोनों ब्रेकर तो नहीं, खैर एक स्लॉट में जो तुमने शील्ड लगाया। अरे मायू वे भाई ऑपरेंट जो है वो अच्छा खेल रहा है, मेरे को नहीं पता चल रहा कि कौन से लेवल की इसकी किम्बरली है, लेकिन भाई बहुत तगड़ा खेल रहा है वो, बहुत ज़्यादा ही ओपी खेल रहा है। तुम्हारा तो लेवल 5 है वो मुझे क्लियर आउट दिख रहा है भाई, बट तुम्हारे पास एक शील्ड का ऑप्शन है, शील्ड दबाओ, बहुत सही, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, स्टन करो भाई। लो स्टन करते तब भी काम चल जाता भाई, मारो दो वाला काउंटर, अबे दो वाला स्ट्राइक बोला था यार भाई, गाइडेंस मेरी देखो, जो ऐसे करोगे स्ट्राइक आउट भाई। लो अच्छा चलो फाइनली एक ब्लॉक को लपेटते हुए भाई पेल दिया भाई ने। एंड यार आप लोग को यार ये वाला सस्ती कमेंट्री पार्ट 14 कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट बताना, एंड मैं इससे ज़्यादा और अच्छा क्या कर सकता था यार, इसकी सजेशन भी देना। आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर पुराने हो तो भाई वीडियो को लाइक करो यार, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में यार, बाय।